अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बवासीर का इलाज, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इलाज जो मैं आपको शो करवाता हूँ। ये मैं तकरीबन कई सालों से जो नुस्खा है वो अपने फ्रेंड के साथ, लोगों के साथ शेयर करता आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके 100% रिजल्ट है। एक ही चम्मच ये आपने ऐसे इसको मेडिसिन बना लेनी है, ये मैं आपको कंप्लीट शो करवाने जा रहा हूँ। ये आपने सिर्फ एक चम्मच इसका खाना है और आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़्ज़ा। तो मेरी वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा बगैर आपका टाइम वेस्ट किए, बिलीव मी। मैं हालांकि ऑल दो दिस टाइप ऑफ कैटेगरी नॉट रिलेटेड टू माई यूट्यूब चैनल माई कैटेगरी, हालांकि मेरा जो चैनल है वो टेक के रिलेटेड है, मैं टेक के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे रखता हूँ, मगर मैं मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है, कोई यूजफुल चीज़ है, तो मैं अपने व्यूज़ के साथ उसको शेयर करूँ। अगर किसी को उसके साथ फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो वो मेरी कामयाबी है, मेरे लिए खुशी का बाइस है। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो बना के अपने व्यूज़ को देने जा रहा हूं। मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं बिलीव करता हूं रियल फैक्ट्स पे, आपने खानी कैसे है और इसको बनाने का वे क्या है। कंप्लीट एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको शो करवाने जा रहा हूं। और ये यहां पे मैं आपको ये मेंशन कर दी है चीजें, ये आपने कितनी कितनी लेनी है ये मैं यहां पे मेंशन कर दी है, यहां से आप लोग देख लें इसको। आगे आपने ये देखनी है मेरी वीडियो को, कैसे आपने इनको बनाना है, कैसे आपने यूज करना है ये मेरी वीडियो। तो फ्रेंड ये है जी तीन चीजें आपकी। सबसे पहले ये है जी मगज कंजुआ, ठीक है। ये आपको मैंने नुस्खा ऊपर लिख दिया है, ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपने लेने हैं जी 6 तोले, इसके अंदर से मगज में वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने निकालने हैं, वो यूज़ करने हैं आपने। ये 6 तोला लेना है आपने सारा। और ये दूसरे नंबर पे आपने लेनी है 5 जड़, ये इसको बोलते हैं 5 जड़। ये किसी भी पंसारी से, किसी भी दवाखाने से आपने जाके ये चीज़ें ले लेनी है। ये 5 जड़ लेनी है जी 2 तोला आपने। और ये वाला जो है ये लोद पठानी इसको बोलते हैं, ये भी आपने 2 तोला लेनी है। लोद पठानी ये भी 2 तोला लेनी है, 6 तोले, 2 तोले और 2 तोले, ठीक हो गया जी। 6 तोले मगध कंजवा, 2 तोले आपने लेना है जी 5 जड़, 2 तोले आपने लेनी है जी लोद पठानी। ये तीनों चीज़ें लेके अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या करना है। इसके अंदर होता है मगध, ये बड़ी हार्ड सी है, इसके अंदर मगध है, वो यूज़ करना है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने यूज़ करना है। इसको करते हैं थोड़ा सा साइड पर और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं आपको शो करवाता हूँ कि इसके अंदर से आपने मगध कैसे निकालना है। इसको आपने इसके अंदर डाल लें, कुंडे के साथ अंदर कूट लें, या दवाखाना किसी पंसार स्टोर पे जाएं, वहाँ पे उनके पास ग्राइंडर होते हैं, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। ये इसके अंदर से निकालना अपने मगध, ये देखिए मैं आपको शो करवाता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये वाला जो मगध है ना आप ये देखिए, ये आपने यूज़ करना है। इसको आपने अब कूटना है, इसको आपने कूट के उसके अंदर मिक्स करना है। ये मगज कंजुआ है, ये मगज, ये सारे को कंजुआ बोलते हैं। इसके अंदर जो मगज है ना, गिरी है ना, ये आपने यूज़ करनी है, ठीक है जी। इसकी गिरी जो है ना ऐसे निकाल लेनी है आपने, ये यूज़ करनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने कूट लेना है, ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, पीस के ऐसे ही मेडिसिन बन जानी है पाउडर की फार्म में। तीनों चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है और इसको 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 चम्मच भर के आपने खाना है रात को, 3 चम्मच आपने दिन में भर भर के खाने हैं, खाने के चम्मच। और ये 5 से 7 दिन आपने यूज़ करने हैं, बिलीव मी आप भूल जाएंगे कभी आपको ये चीज़, ये इशू, ये प्रॉब्लम था। आप इसको रिकमेंड करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। और दूसरा ये मैं टिप आपको देता चलूँगी, ऐसे जैसे मैं ये इस डब्बी में डाला हुआ है, ये ऐसे इस डब्बी में इसको आपने बंद करके रखना है कि हवा अंदर बाहर ना जाए, ऐसे दवाई की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहती है। नंबर 2 पे जो मैं आपको बताया था, आपने परहेज करनी, जितने दिन आप ये मेडिसिन खा रहे हैं 5 से 7 दिन आपने गोश्त बिल्कुल नहीं खाना, उसे आपने करनी है तब तक परहेज गोश्त खाने से। और ये यूज़ करने के बाद कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको इससे कितनी देर में फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको एटलीस्ट 1 लाइक कर दें, ये बड़ी मेहनत से वीडियोस बनती हैं आप लोगों के लिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को लाजमी डालें, अगर आपको बेनिफिट हुआ तो वो भी लाजमी लोगों को बताएँ कमेंट के अंदर आके। अगर नए हैं तो मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब।